हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारा यासीन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे काशीज़ इंस्पायर्ड मेकअप। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है काशीज़ इंस्पायर्ड आई मेकअप पे, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट लाइट पिंक सा आई मेकअप है और बहुत ही ईजी जल्दी से हो जाने वाला मेकअप है। और जिनको नहीं मिल रही मेरी वो वीडियो, उनके लिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आई मेकअप करने से सबसे पहला स्टेप हमारा आईब्रोज़ को फिल करना है। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया एलेगर्ल का जेल आईलाइनर और उसको मैंने एक स्पूली ब्रश से ब्लेंड कर दिया है। फ्रंट से बिल्कुल लाइट सा मैंने फिल किया है और पहले मैंने सेंटर से अपनी आईब्रोज़ फिल किए हैं, फिर मैं फ्रंट पे आईब्रोज़ को लाइट सा फिल करती हूँ और साथ साथ ब्लेंड भी कर देती हूँ। तो इससे बहुत नेचुरल आती हैं फ्रंट की जो आईब्रोज़ हैं, यहाँ पर बाल लाइट होते हैं इस वजह से। उसके बाद हमने अपने आईब्रोज़ को करना होता है हाईलाइट और इनको शेप देनी होती है किसी भी कंसीलर से या फिर किसी भी फाउंडेशन स्टिक से। यहाँ पे मैंने क्रेलोन के टीवी पेंट स्टिक यूज़ किया जिसका शेड है F45। और जब भी आपको अपनी आईब्रोज बनानी हो तो हमेशा लाइट कलर चूज़ किया करें। इससे क्या होता है कि जो भी आप शेडो अप्लाई करते हैं तो वो इन्हेंस होकर दिखते हैं, हाईलाइट होकर दिखते हैं। अगर कोई आप डार्क शेड से अपनी आईब्रोज फिल कर लोगे, शेप दे दोगी और अपनी आईब्रोज भी डार्क फाउंडेशन से बेस बनाओगे, तो उस पर जो भी आप शेड अप्लाई करोगे वो इतना इन्हेंस होकर नहीं दिखेंगे, इतना हाईलाइट होकर नहीं दिखेंगे और ख़ूबसूरत भी नहीं लगेंगे। तो आप जितना लाइट शेड चूज़ करोगे अपनी आई बेस के लिए उतना खूबसूरत शेड लगेंगे जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो इस तरह से मैंने पूरी आई बेस भी इसी से बना ली, क्रेलोन की टीवी पेंट स्टिक से, और अपनी आईब्रोज़ को शेप भी इसे दे दी। अगर आपकी आईब्रोज़ नहीं भी बनी हुई, अगर आपने प्लकिंग नहीं कराई, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी आईब्रोज़ को अच्छी शेप दे सकते हो किसी भी कंसीलर से, एक बहुत प्यारी सी शेप आ जाती है और आपका आई मेकअप बहुत प्यारा लगता है। तो आप इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को लाजिम शेप दे दिया करें, आपके आई मेकअप में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तो अगर इस तरह से जैसे यहाँ से मेरा शेड थोड़ा सा हट गया था, तो आप अगेन वहाँ पर थोड़ा सा और अपना प्रोडक्ट लेकर अपनी आईब्रोज़ को अगेन शेप दे सकते हो। थोड़ी सी फाउंडेशन यहाँ पर मेरी लग गई थी जिसकी वजह से मेरा शेड हट गया था, तो मैंने उसे दोबारा सेट कर लिया। उसके बाद अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हुदा ब्यूटी का लूज पाउडर। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। तो इस तरह से डैप डैप करके अपनी पूरी आईब्रोज को सेट करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट और मैं इसी से अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करूँगी, अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एप्लीकेटर। आप फिंगर से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आप हाथ के जो छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर उससे बहुत ही इजीली इनर कॉर्नर में अप्लाई हो जाता है। वैसे ये जो एप्लीकेटर है आपके जो ब्रशेस किट हैं उनमें भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, उनमें तो ये लाजिम दिया जाता है। तो इनर कॉर्नर में अप्लाई करने से क्या है कि आपकी आँख बड़ी और प्यारी भी लगती है। उसके बाद बारी है हमारे मेटालिक शेड की। यहाँ पे मैंने पर्पल मेटालिक शेड लिया है और ये शेड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा ये शेड है। और इसको मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी, फिंगर से बहुत ही इजीली आपकी ये ब्लेंड भी साथ साथ होती जाएगी। तो आपको एक डी क्रिएट करना है, जो आपका क्रीज वाला पार्ट है इससे ऊपर नहीं लेकर जाना, आपको डी के अंदर ही रहकर इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं फैलाना। जैसे कि ये डार्क शेड है तो इस वजह से बहुत केयरफुली से आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बिल्ड करना है कि आपकी जो क्रीज वाली लाइन है बिल्कुल वहाँ तक लेकर छोड़ देना, ज़्यादा ऊपर नहीं इसको जाने देना, क्योंकि डार्क शेड है फैल जाएगा तो बुरा लगेगा। अब जब हम इसको डी क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हमने लेना है कोई भी मैट शेड, तो मैं इसके साथ का ही ले रही हूँ पर्पल। यहाँ पर मैंने मैट शेड लिया है और यहाँ पर मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया जिससे बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाए हमारा शेड। फ्लैट ब्रश यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना है, इससे हमारा शेडो जो है वो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा और जो हमने एक डी क्रिएट किया था वो भी अलग से नहीं दिखेगा, वो भी बिल्कुल स्मज और ब्लेंडेड दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हो कि डी जो बनाया था वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। और उसके बाद हम लेंगे एक, यहाँ पर मैंने ऑरेंज शेड लिया है जो कि बहुत बहुत प्यारा लग रहा था इसके साथ, और ऑरेंज और पर्पल का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। तो इसको हमने इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से ब्लेंड करना है कि ये भी अलग से ऑरेंज का एक शेड भी आए और पर्पल का भी आए। बिल्कुल ऐसे अपने अप्लाई नहीं करना कि ऑरेंज के ऊपर रख के इसको अप्लाई नहीं करना, इसको ऑरेंज से थोड़ा सा ऊपर रखना है और लाइट लाइट सा ब्लेंड करते जाना है ताकि ऑरेंज
और पर्पल में फ़र्क दिखे कि दोनों अलग अलग शेड लगे हुए हैं लेकिन साथ में जुड़े हुए भी हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ब्लैक शेड सेम पैलेट में से। और यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का फ्लफी ब्रश यूज़ किया क्रिस्टीन का, और इसको बहुत ही केयरफुली से अप्लाई करना है कि ज़्यादा फैलाना नहीं है इसको, सिर्फ और सिर्फ हमने आउटर कॉर्नर में ही रखना है, इसको क्रीज में नहीं लेकर जाना, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना। और ये हमारे लोअर लैश की, इसके लिए मैंने सेम मेटालिक शेड यूज़ किया है, जो कि सबसे पहले वाला मैंने पर्पल लिया था, और इसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। आप इसकी जगह पर जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस आपने छोटे साइज़ का यहाँ पे ब्रश यूज़ करना है, बड़े साइज़ का नहीं करना। और उसके बाद अपने इनर कॉर्नर को मैं अगेन हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि शेड जब भी आप अप्लाई करते हो साथ साथ झड़ते रहते हैं ब्लेंडिंग के टाइम पर, तो एंड में एक टचअप कर लिया करें। उसके बाद बारी है वाइट पेंसिल की। वाइट पेंसिल अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से स्टिक लेकर ब्रश पे, जिससे मैंने अपनी आई बेस बनाई थी वही वाली मैंने यहाँ पे स्टिक यूज़ की है। वाइट पेंसिल से मुझे क्या होता है कि वाइट पेंसिल जब मैं लगाती हूँ थोड़ी देर बाद वो हट जाती है, और वो इतना उसका जो पिगमेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखती जैसे काशिश के आई मेकअप में दिखती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये स्टिक लेती हूँ लाइट कलर की। बार ये हमारे आईलाइनर की, और आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्वा का, क्रेलोन का एक्वा आईलाइनर, और क्रेलोन का ही ज़ीरो साइज़ का यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया है। इनर कॉर्नर से मैंने इसको स्टार्ट किया अपनी आईलैश लाइन को फॉलो करते हुए, पहले एक लैश लाइन पूरी क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद हमने जाना है अपने आउटर कॉर्नर वाली साइड पे एंड में बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा सा मैंने नीचे निकाला है अपनी लैश लाइन से, नीचे निकाल कर फिर ऊपर की तरफ एक विंग निकाला है, विंग की एक लाइन निकाली। आप चाहो तो इससे अपनी लाइन थोड़ी और बड़ी भी कर सकते हो, जितना आप चाहो। और उसके बाद वापस अपने आईलाइनर को हमने ज्वाइन कर लेना है, और इसको उसके बाद ही आपने जितना थिक करना चाहो कर सकते हो। पहले आपने इस तरह से एक लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन पहले बना लेनी है, उसके बाद विंग इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वो बना के, उसके बाद जितना आप थिक करना चाहो मोटा करना चाहो अपने आईलाइनर को बाद में आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है रिवाज का मस्कारा, और उसके बाद मस्कारा अप्लाई करने के बाद लोअर लैश पे भी मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, जो कि काशिश की आई मेकअप में लाजिम होता है लोअर लैश पे। और इस तरह से मस्कारा अप्लाई करने के बाद अपनी आईलैशेस लगा लेनी है। आईलैशेस लगाने से पहले आप मस्कारा अप्लाई कर लिया करें, इसकी आपकी जो आईलैशेस होती हैं वो सेफ़ रहती हैं, ख़राब नहीं होती, आप नेक्स्ट आई मेकअप में भी उसको यूज़ कर सकते हो। लैशेस लगाने के बाद मुझे जो मेरा विंग था थोड़ा कम दिख रहा था, इस वजह से जैसे कि काशिश का आई मेकअप होता है उनका जो विंग होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकला होता है, तो लैशेस लगाने के बाद मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने साइड से इसको थोड़ा और बढ़ा दी। इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हो, तो इस तरह से विंग थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और प्यारा भी लग रहा था। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। दूसरी बात जो मैंने वाइट पेंसिल वाली बात आपको की है, वाइट पेंसिल मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन उससे क्या होता है कि जब मैं वो लगाती हूँ थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है, और उसका जो शेड है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट होकर नहीं दिखता मेरी आँख में जैसे कि काशिश की आईज़ में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टिक यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि आँख ज़्यादा बड़ी लगती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप के काफ़ी हेल्पफुल रही होगी मेरी ये वीडियो। लाजिम इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।